फिल्म पानीपत को लेकर जहां हरियाणा के कई बड़े मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुलकर इस पर अपनी बात रखी। इसे लेकर क्या कहना है उनका, चलिए आपको सुनवाते हैं। पानीपत फिल्म को लेकर विरोध के सुर लगातार उठ रहे हैं, दूसरी तरफ दर्शक और फिल्म के जानकार फिल्म को अच्छे रिएक्शन दे रहे हैं। इस बीच ये भी जान लेते हैं कि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फिल्म को लेकर क्या कहना है। दूसरा जो तथ्य उन्होंने बताया है कि वो उन्होंने कहा भी आगरा का फोर्ट मेरे को दिया जाए, वो तो उनके पास ऑलरेडी था ही, इससे अमित शाह अब्दाली से आए उससे पहले था। ऐसे तथ्य हैं, ऐतिहासिक कोई भी फिल्म बने तो पहले इतिहास को पूरे उसमें जाना चाहिए, जो इतिहास को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए व्यवसाय लाभ के लिए। इस वास्ते जो ये सीन है ये इस फिल्म से हटना चाहिए। जी हाँ, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि महाराजा सूरजमल के बारे में सत्य नहीं दिखाया गया है। महाराजा सूरजमल का इतिहास में अहम स्थान है और फिल्म बनाने से पहले इतिहास के बारे में जान लेना चाहिए। महाराजा सूरजमल के बारे में उनको एक किस्म से लालची दिखाया, जो कि इतिहास में ऐतिहासिक बात नहीं है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने व्यवसायिक लाभ के लिए कोई भी फिल्म बनाए वो अचेतनीय किसी का भी हो, तो जो हमारे हो रहे हैं, महाराज सूरजमल का इतिहास में अपना स्थान रहा है, बहुत बहादुर और दानी व्यक्ति थे, लालच का कोई मतलब ही नहीं उनका। इसका मतलब ये है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ शब्दों में जाट समुदाय का समर्थन करते हुए फिल्म में दिखाए गए दृश्यों को गलत बताया है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।